शिमला में लोगों को जाम की समस्याओं से दो चार गुना पड़ रहा है। सुबह और शाम जाम से स्कूली बच्चे और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरकेएमवी से भराड़ी सड़क पर बेतरतीब पार्किंग की वजह से लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। यहां तक कि पैदल चलने वाले लोगों को भी पैदल चलना मुश्किल हो गया है। लोगों की माने तो इस सड़क पर हर रोज जाम लगता है। पुलिस को कई बार शिकायत दी गई लेकिन जाम की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। रोज का इस रोड पे ना रोज का काम है, रोज कोई ना कोई गाड़ी गलत लगा जाता है जिससे हम लोग भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। ये बच्चे ना बेचारे सुबह 7:30 बजे से घर से निकले हुए हैं, अब इनको 4:30 यही बच जाएंगे। कोई बच्चा ढांडा से आ रहा है, कोई शोगी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। अब ऐसे परेशान लगे हम तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह कंप्लेंट करके थक गए हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक दो दिन पुलिस यहाँ अपना बल्कि एक्टिव रहेगी, उसके बाद फिर वही कर, बल्कि रोज का काम है। देखिए जी, एक शिमला में जो है वो चालान की भी समस्या है। लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरी गाड़ी का चालान जो है हुआ। आप यहाँ से लॉन्गवुड से लेकर के नीचे स्टेट बैंक और शांतली तक के एरिया में देखेंगे तो दिन के वो लोग 3 चक्कर लगाते हैं चालान काटने के लिए, लेकिन यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, जहाँ से स्कूल बसेस भी आते हैं यहाँ एक भी कॉन्स्टेबल हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो स्कूल टाइमिंग है जब स्कूल के बच्चे निकलते हैं है ना जी, तब ऐसा कि एक दो कॉन्स्टेबल अगर ऑन ड्यूटी होंगे, सिर्फ हम 1-1.5 घंटे की बात करें तो ये रोड बिल्कुल ठीक रहेगा और क्लियर रहेगा।